हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी मधुबनी पेंटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आ गई हूँ। यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये है पूरा जो शीट होती है चार्ट पेपर का जो साइज़ होता है वो फुल शीट है ये। इसको हाफ़ करके मैं यूज़ करूँगी और इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये पेंटिंग निब्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये निब्स हैं और ये 5 का सेट है और इसमें अलग अलग तरीके की निब्स होती है, बट मैं यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला साइज़ होता है वो यूज़ करूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें जो कलरिंग करूँगी वो करूँगी कैमलिन की इंक, और कैमलिन ड्राइंग इंक्स को मैं कलरिंग के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही फेमस है, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि आपको राधा कृष्णा की लीला देखनी है, तो मैंने वही यहाँ पे शो की है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। बॉर्डर यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, जो मेरा स्केल है उसकी जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बॉर्डर की चौड़ाई रखी है, क्योंकि मेरा पेपर बड़ा है। मैंने जो बड़ी वाली शीट होती है उसको 1/2 किया है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर इसको इस तरीके से कम्प्लीट किया है। और ये 3 साइड्स मैंने इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने कचनी वर्क भी दिया है और कलरिंग के लिए भी पोर्शन छोड़ा है, तो मैंने थोड़ा ब्रॉड बॉर्डर बनाया है जिससे कि मेरी पेंटिंग सुंदर लगे। तो आइए मैं फोर्थ जो पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है उसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। सो हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है ये, और इसमें हम कचनी वर्क ज़्यादा करेंगे, कलर्स कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो अंदर जो हम सीन बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो बॉर्डर हम थोड़ा सा कम कलर का रखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये बॉर्डर जो है कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन ये बचा है स्पेस, वहाँ पर हम कलर यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको आज एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि कुछ लोग हैं और कुछ व्यूअर्स हैं मुझे शेयर करते हैं कि उनसे डायरेक्ट वो निब से डिज़ाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं या वो इतने ड्राइंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेंसिल की हेल्प से आप एक रफ़ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं या आउटर लाइंस जो होती हैं स्केच की वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको निब से फेयर आउट करके और फिर उसके अंदर कचनी वर्क आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। जो भी बिगिनर्स हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है, आप कर सकते हैं। देखिए, अभी सीख रहे हैं तो कोई फाउंडेशन है नहीं, और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो सबसे अच्छी बात है, जब आप इजीली उसको ड्रॉ कर पाएंगे तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप उसको पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ करके इसको भी डिज़ाइन को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ फर्स्ट मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो कृष्ण जी को ड्रॉ कर रही हूँ। बेसिकली ये जो सीन है वो कृष्ण लीला के ऊपर डिपेंड है और कृष्ण लीला का सीन है। और यहाँ पर हम पहले कृष्ण जी को बनाएंगे, उसके बाद हम राधा जी को बनाएंगे। और पिक्चर्स को थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि वो बोल्ड लुक दिखाई दे अब मेरी पेंटिंग में। और जो मेन जो ऑब्जेक्ट है मेरी पेंटिंग का, कृष्ण और राधा जी जो है मेन पिक्चर जो है इस पेंटिंग की, वो बहुत ही उभर के आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनको बड़ा बड़ा बनाया है। तो आइए जल्दी से इस डिज़ाइन को कम्प्लीट कर लेते हैं। Thank you.
तरीके की पिक्चर्स बनाने के टाइम पर हमें थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, हैंड्स के पोस्चर्स का। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन आप क्यों एक मैं बहुत ही इजी सा आइडिया बताती हूँ कि जब भी इस तरीके के पिक्चर्स आप बनाएं और कभी कंफ्यूज हो तो एक बार अपने हैंड मूवमेंट को करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंगूठा किस तरफ आएगा, फिंगर्स किस तरीके से आपको करनी है। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन आप उसको करके यूज़ कर सकते हैं और ये वर्क भी करता है, मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ से। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ जितना हो पाएगा मैं इसमें कशनी वर्क भी करूँगी। इसमें हम कशनी वर्क ज़्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे भगवान की हम जब भी पिक्चर बनाते हैं तो उनको और भी ब्यूटीफुल लुक देने के लिए इसमें जब हम कशनी वर्क करते हैं और कशनी वर्क के साथ जब हम कलर यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। जो इनके आभूषण होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं और जो इनके वस्त्र होते हैं, मतलब डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, तो उनमें एक अलग ही लुक आता है वो, जो कि आप अभी आगे इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे राधा जी को। दोनों का जो फेस मैंने रखा है वो आमने सामने का डायरेक्शन रखी है, और इस तरीके से रखा है कि जैसे कृष्ण जी राधा जी को मना रहे हैं, थोड़ा इस तरीके का सीन मैंने यहाँ पर दिया है। और अब इनके भी हमें आभूषण है, उनको भी बहुत अच्छे से कशनी वर्क करके उसको बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि वही चीज़ है जो इन पिक्चर्स को उभारेंगे। अभी आप जब इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये चीज़ें वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी मधुबनी डिज़ाइन में। तो आइए जल्दी से राधा जी को भी बना लेते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो सबसे पहले आई में फिनिशिंग करेंगे और अभी स्टार्ट करते हैं कलरिंग। कलरिंग मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताई है क्योंकि जस्ट सिंपल कलरिंग है और इसमें मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्रोम येलो कलर, मरून कलर, ग्रीन सैप ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, अल्ट्रामेराइन ब्लू कलर। सो ये कलर्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल वहाँ पे शेयर की है कलर्स की, और ब्रश भी जो मैंने यूज़ किया है वो सब नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये इस पेंटिंग है और इसमें जल्दी से हम कलर फिनिश करते हैं। देखिए जब कचनी के साथ हम कलर करते हैं तो वो एक अलग ही लुक आता है, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है अभी से पिक्चर। और मैंने इसका बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कलर नहीं किया है, और मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मैंने कलर दिया ही नहीं है क्योंकि इसका बॉर्डर और इसकी ये जो पिक्चर के अंदर कलर्स हैं वो ही इतना अट्रैक्टिव लुक इस पेंटिंग का दे रहे हैं कि मुझे बैकग्राउंड इसका ब्लैंक छोड़ना पड़ा। सिर्फ मैंने थोड़ा सा कुछ छोटा सा डिज़ाइन, छोटे छोटे डिज़ाइन ड्रॉ करके उसको कंप्लीट किया है। तो आइए जल्दी से इसका फाइनल लुक भी देख लेते हैं। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप कलर करें इस तरीके की पेंटिंग में तो बहुत पेशेंस के साथ करें और धीरे धीरे करें, बहुत जल्दबाजी ना करें। तो आइए ये है इसका फाइनल लुक और आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। तो और जैसे ही लॉकडाउन और ये सब ख़त्म होता है तो मैं इसकी फ्रेमिंग करवा कर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसका बैकग्राउंड अभी आपको बताया था ना, छोटा छोटा डिज़ाइन से फिल कर दिया है। मुझे लगा कि अगर मैं बैकग्राउंड में इसको कलर दूंगी तो शायद राधा कृष्ण जी को जो डिज़ाइन है वो दब जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से इसलिए मैंने बैकग्राउंड ब्लैंक छोड़ा है और सिर्फ छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं और इस तरीके से उसको कम्प्लीट कर दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वाली पेंटिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस पेंटिंग को बनाने में मुझे लगे हैं 2 डेज़ मैंने 4 या 5 आवर की सिटिंग में इसको कंप्लीट किया है, या आप कह सकते हैं कि मुझे 9 से 10 घंटे भी इसको लगे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। सो ये है फाइनल लुक, मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। अगर आप इसको दोबारा रिक्रिएट करते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।